नमस्कार प्रणाम, मैं खेसारी लाल यादव और इस चैनल से जितने लोग जुड़े हैं सबको दिल से थैंक यू और ढेर सारी शुभकामना आपके जीवन के लिए, ताकि ऐसे ही आप खुश रहें और लोगों को खुशी से अपनी खुशी बांटते रहें। शुरू में मैं एक ऐसे गांव से था जहाँ पे बहुत स्कोप बहुत कम है। जब मैं पेट में था तो उस समय माटी का घर था मेरा, और मेरे पैदा होने से 2-3 महीने पहले वो ढह चुका था। तो ढहने के बाद अब आदमी कहाँ जाए, तो फिर बगल में एक हमारे जैसे गांव में बहुत सारे लोग अपने होते हैं उनका ही घर था, वहीं पे पैदा हुआ था मैं। फिर 3-4-5 महीने मेरी माँ वहाँ रही, अपने परिवार के ही अपने ख़ानदान के ही लोग थे। फिर हमारा घर धीरे धीरे बन गया, तो शायद माँ वहाँ आई। ये मैं अपने माँ के मुँह से सुनता हूँ, पापा के मुँह से सुनता हूँ, क्योंकि मुझे तो उस वक्त याद तो है नहीं चीज़ें। तो मम्मी पापा बताते हैं मुझे कैसा था। 6-7 बरस का था तब से मैं दूध बेचता था, भैंस चराता था। तो काफ़ी गांव में मेरी काफ़ी दिन मेरी जीवन कटी है। उसके बाद मैं जो रामायण महाभारत गाते हैं गांव में, वहां पे मैं सीखने लगा रामायण महाभारत, और लोगों के साथ झाल बजाते समय मुझे 10 रुपये मिलते थे। तो उस वक्त 10 रुपये ज़्यादा थे। 98-99 से मैं करीब इस लाइन में आया तो 10 रुपये मिलते थे। कहीं कहीं मैं कुछ ज़्यादा बोलता था तो 10-20 और ज़्यादा मिल जाते थे। तो दिन भर रात भर मैं शो करता था और दिन में मैं पढ़ाई करने जाता था। तो बहुत कष्ट होता था कि अपने पैसे से पढ़ाई करना पड़ा, लेकिन अच्छा भी लगता था कि मैं अपने पैसे से पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत कम ऐसे फाइनेंशियली चीज़ें हो पाती थी क्योंकि पापा अकेले कमाने वाले थे। तो स्थितियाँ सुधरती नहीं थी क्योंकि हम ज़्यादा 7 भाई हैं, चाचा के 4 लड़के हैं और मैं 3 भाई। तो 7 भाई और माँ ने ही सबको पाला है। चाचा की वाइफ मेरी बहुत पहले गुजर गई, तो सबको माँ ने ही पाला। तो 7 भाइयों का देखना, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई हर आदमी का, और एक कमाने वाला, तो प्रॉब्लम तो होती ही थी। हमारे पास ज़मीन भी नहीं थी, 5 से 7 कट्ठा ज़मीन हमारे पूर्वजों के थे। फिर भी धीरे धीरे पापा ने बहुत स्ट्रगल करके चना बेच के, गार्ड की नौकरी कर करके उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो उसके बाद मैं फिर चला गया आपके दिल्ली। दिल्ली में बहुत सारा स्ट्रगल हुआ। फिर लिट्टी चोखा बेचने लगा, लिट्टी चोखा बेच के फिर शादी हो गई मेरी। फिर लिट्टी चोखा बेचा वाइफ के साथ, पापा मैं वाइफ मम्मी सब लोग दिल्ली रहते थे। एक झोपड़ी था, उसी में लिट्टी बनता था और हम लोग बेचते थे। लेकिन धीरे धीरे उसी लिट्टी के पैसे से 10-20 और कुछ सो कर करके मैंने कुछ पैसे 10 या 12 हज़ार रुपये जुगाड़ किया था, और उसी पैसे से मैंने कैसेट गाया था, जो कैसेट फ्लॉप हो गया, कुछ आया नहीं, नाम भी नहीं हुआ। तो मैं लोकगीत का गायक था ही नहीं, मैं एक रामायण महाभारत गाता था। उसमें कितने पैसे, तो मेरी गायकी भी डिफरेंट थी लोगों से, जो लोग गीत गाते हैं उन लोगों से डिफरेंट गायकी थी मेरी। लेकिन फिर एक कैसेट गाया 24,000 रुपये लगा के, वो कैसेट थोड़ा बहुत बजा। उसके बाद कंपनी प्रोजेक्ट होने लगे, तो कंपनी प्रोजेक्ट होने लगे तो मेरे पैसे नहीं लगते थे, कंपनी लगाती थी मेरे ऊपर। फिर 2-3 कैसेट ऐसे गाया, 4-5 कैसेट करीब। फिर उसके बाद एक कैसेट गाया मालभिटाई मेला में, और वो रातों रात इतना बड़ा, उस समय मेरी बेटी हो चुकी थी, तो वो रातों रात मुझे स्टार बना दिया। यानी लोगों के दिल में एक जगह बना दी, स्टार नहीं बोल सकते, लोगों के दिल में एक मेरी अहमियत, जो मेरी पहचान थी जो छुपी हुई थी, उस कैसेट ने मुझे एक पहचान दिया, और रातों रात में सबके दिल का राजा बन गया। और उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। तो फिर उस वक्त भी मैं लिट्टी चोखा बेच रहा था। फिर जब कैसेट बड़ा हिट हो गया तो फिर लिट्टी चोखा का दुकान मैं छोड़ दिया, पापा बेचने लगे। फिर पैसे जब आने लगे तो मैंने पापा को भी बोल दिया, पापा ये सब छोड़ दीजिए, तो पापा ने भी छोड़ दिया, और फिर हर चीज़ अपने जिम्मेदारी पे मैं ले लिया। तो स्ट्रगल पीरियड, जब मैं कैसेट भी गाता था तो उस समय स्ट्रगल पीरियड मेरी बहुत बड़ी होती थी। धूप में जाना, साइकिल चला के कैसेट का प्रचार करना, आजकल कैसेट के प्रचार नहीं हो पाते हैं। आजकल तो यूट्यूब का एक
दौर है कि आप कुछ भी गाइए, कुछ भी करिए, आप YouTube पे डाल दीजिए, आपकी चीज़ें लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले पहुंचाना पड़ता था। उस समय सेल्समैन बन के नहीं, एकदम पुअर बन के आपको जाना पड़ता था, एक लाचार आदमी बन के जाना पड़ता था। फिर भी लोग नहीं रखते थे कैसेट, पोस्टर चिपकाने पर पोस्टर फाड़ देते थे सब, गाली गलौज भी होती थी। तो बर्दाश्त तो करना पड़ता था, क्योंकि आपको एक अपनी दुनिया में छवि बिखेरनी है, तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और उस समय माँ बहन की गाली भी सुननी पड़ती थी। तो मैं खुद ही 12-2 बजे रात को कहीं अगर साउंड सुनता था कि हाँ यहाँ पे शादी ब्याह है, तो वहाँ पे आर्केस्ट्रा है, जो लड़कियाँ नाचती थी कलकत्ता से आकर, तो वहाँ पे डीजे बजता था, तो वहाँ पे कैसेट लेकर मैं जाता था, उनको 10-20 देता भी था कि प्लीज़ मेरा भी कैसेट बजाइए, मेरा भी गाना बजाइए, ताकि लोग मुझे जाने कि मैं भी कुछ कोई आदमी हूँ। तो उस टाइप से बहुत स्ट्रगल, रात रात भर भाग घूमना भागना। तो उस बीच में सपोर्ट किसी का नहीं था। और फिर मैं दिल्ली से कैसेट गा गा के कम से कम 15-12-13 कैसेट मेरी सुपर डुपर हिट हुए। फिर मेरा एक सिनेमा, एक अलोक सिंह है जो कि पहला सिनेमा मुझे लेकर बनाए, बलिया के रहने वाले, तो पहला सिनेमा वो मुझे लेकर बनाए, साजन चले ससुराल, और फिर मानसो जी उसके डायरेक्टर थे, स्मृति सिन्हा हीरोइन थी। तो वो सिनेमा मेरा बना, बनने के बाद मुझे उस समय कुछ पता नहीं था, मैं डांस भी सीखा नहीं था, डांस सीखा भी आज भी नहीं हूँ, लेकिन देख देख के आज कुछ कर लेता हूँ। उस समय मैं 4-5 दिन फाइट सीखा था, और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। तो मैं महाड़ा में रहने लगा, हमारे एक दोस्त थे बड़े भाई की तरह, विकास सिंह बीरप्पन, जिन्होंने मुझे 2-3 महीने अपने घर पे रखा, और बहुत सारी चीज़ों पे काम करना था। उस समय ऑडियो भी मैं नहीं छोड़ना चाहता था कि नहीं ऑडियो नहीं छोड़ूंगा, मैं गाऊंगा। तो आज तक मैं ऑडियो गाता हूँ, हर सीजन में 25-30-40 गाने गाता हूँ मैं, और लोकगीत गाते रहता हूँ। तो उस वक्त अकेले रहता था, खाना बनाना, कभी कभी खाना बना भी नहीं पाता था, तो मैं मार्केट से खाना खरीद लेता था। तो उस वक्त पैसे आ गए थे मेरे पास, ताकि मैं कुछ खरीद सकूं। तो धीरे धीरे वही चीज़ें, उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। तो लगातार मेरी 3 सिनेमा सिल्वर जुबली हुई, लगातार 50 डे कहीं कितना सप्ताह चल रहा है, तो हर जगह 50 डे होता था, कम से कम कभी किसी 30 हॉल में, तो कभी 40 हॉल में, इस टाइप से सिनेमा मेरे चलने लगे। और लगातार 3 सिनेमा मेरा 50 डे हुआ, और उसके बाद जो भी किया सब अच्छे लेवल का सिनेमा किया मैंने, और आज यहाँ तक पहुँचा, आप सबके दिल में एक जगह बनाई। सारी स्ट्रगल को मन में रखते हुए, दिल में रखते हुए, और अपनी गरीबी को भी दिल में रखते हुए, अपने ध्यान में रखते हुए, मैं उस गरीबी को देख कर मैंने मेहनत की, मैं अपने उस लाचारी को देख कर मेहनत की कि मुझे और मेहनत करना है, और कोशिश किया तो आज यहाँ तक हूँ, लोगों के दिल में हूँ। और कोशिश हर दिन करता हूँ मैं, जे आज 10 जानते हैं तो कल मुझे 15 जाने, ताकि मेरा मेहनत हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे, और कोशिश रहे कि आज मुझे 30 करोड़ जनता मोहब्बत करती है, 40 करोड़ करती है, कल मुझे 125 करोड़ जनता में प्यार और आशीर्वाद दे, तो कोशिश यही रहती है। तो देखिए, जीवन जब तक स्ट्रगल करके यहाँ तक नहीं पहुँचे, तो फिर उस जीवन का कोई मतलब नहीं। हम दौड़ के कुछ हासिल करते हैं तो हमें लगता है कि मैं दौड़ा हूँ, खुद को गिल्टी कभी फील नहीं होती। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी स्टार बने, हर आदमी लोगों के दिल में अपनी अहमियत जगाए और लोगों के दिल में अपनी अहमियत बना ले। आप जहाँ भी रहें, जिस क्षेत्र में रहें, उस क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा स्कोप है, इसीलिए मेहनत से कुछ भी हासिल हो सकता है, बशर्ते आप मेहनत कहाँ कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी होती है। कहीं ना कहीं आप जहाँ भी मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए, आपको वो चीज़ें मिलेगी। और मैं उसका एक मिसाल हूँ, क्योंकि मेरे पास ना गायकी थी और ना ही कोई चेहरा था और ना ही कोई पहचान थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेहनत किए हम, अपने औकात से ज़्यादा मेहनत किया मैंने। तो मेरी वो लेबल नहीं थी, उसके बावजूद भी पैदल घूम घूम के, ट्रेन पे बैठ के, बस के ऊपर बैठ के, बहुत सारी चीज़ें की, तो चीज़ें तो आ गई ना अपने पास। आज लोगों के दिल में एक जगह तो है ना, तो बस कोशिश करिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। आपके अंदर वो अगर शक्ति है, आपका मंजिल तय है,
तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप दुनिया के दिल में अपनी एक जगह बना सकते हैं। चलिए प्रणाम, इस चैनल पे जो स्टोरी मैंने आपको बताई अपने जीवन की, अगर आप 10 भी इसको फॉलो करें तो शायद आप 10 की जीवन बदल जाएगी। और इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे लोगों से जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो आप सुने, ताकि हो सकता है जब फ्रस्ट्रेट हैं तो उस चीज़ों को कभी फ्रस्ट्रेट होकर कुछ गलत काम ना करें, ताकि आपके माँ बाप आपके पीछे हैं, आपकी परिवार है, पूरी फैमिली है। तो मेरे कहने का मतलब कि जीवन में बहुत कुछ स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल से कभी भागिए मत, स्ट्रगल से घबराइए मत, क्योंकि स्ट्रगल आपके जीवन का वो हिस्सा है जो आप जब जिस दिन आपको कामयाबी मिलेगी तो आप दुनिया का एक एक्सप्रेशन बन सकते हैं। अगर आप स्ट्रगल करके नहीं आएंगे तो आपके जीवन में कुछ बताने के लिए नहीं रह जाता है। तो स्ट्रगल को हमेशा अपना ताकत बनाइए, ताकि आपके जीवन में आपके अपने बच्चों को भी बताने के लिए कुछ तो चीज़ें हो जो आप अपने बच्चों को बोल सकें कि मेरे पास ये था बेटा, मैं कुछ नहीं था। तो जब स्ट्रगल करके आएंगे तो आपकी अपनी कहानी होगी, आपके अपने इतिहास होंगे। और इस कहानी को ज़रूर पढ़िए कि एक लिट्टी बेचने वाला, एक भैंस चराने वाला, एक दूध बेचने वाला आदमी यहाँ तक पहुँच सकता है। तो आपके पास तो आप कैपेबल हैं, आपके पास तो बहुत सारी आज सुविधाएँ हैं, हम विदाउट सुविधाएँ यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन आज तो बहुत सारा स्कोप है, बशर्ते हमें लगन से चीज़ें करनी है। तो आप लगन कर से चीज़ों को करिए। बस दिल से थैंक यू, इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और अपने जीवन को कभी डिप्रेशन में लेके मत जाइए। कोशिश करिए जी आप दुनिया के इतिहास बने और उस इतिहास के पन्ना दुनिया पढ़े और कुछ सीख मिले आपसे। थैंक यू।